हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए, ये रीडिंग जर्नल एंड कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका होगा, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती। तो क्या है उनके थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशन, सब कुछ जैसे कार्ड्स आएंगे। और रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना ही आपका होगा। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं 9324748488 पे आप रीडिंग बाय कर सकते हैं माय डियर। तो क्या है आज आपके पार्टनर के करेंट थॉट्स एंड सिक्स ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्स। बहुत ज़्यादा सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग ज़रूर कर रहे हैं आपको लेकर, ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स। एंड हो सकता है आप जो हैं इस पर्सन को आपने बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है। आपका रिलेशनशिप अभी इस वक्त ऑन ऑफ सिचुएशन में हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है। आपका रिलेशनशिप फैमिली के वजह से कहीं ना कहीं छिपा हुआ हो सकता है, यानी हिडन रिलेशनशिप भी हो सकता है, यानी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है। थर्ड पार्टी इनका करियर भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। एंड इनके लाइफ में चाहे इनकी फैमिली है थर्ड पार्टी, या फिर इनका ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज है, इन मनी है, या फिर स्पाउस है, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है माय डियर। वो चाहते ज़रूर है कि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट वो आपके साथ करें, लेकिन आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं। वो इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है। आपके पार्टनर आज भी जगल कर रहे हैं, दो सिचुएशन को वो आज भी जगल कर रहे हैं, चाहे इनकी फैमिली है या पैसे हैं, या फिर आप हैं, या इनका स्पाउस है, या आप हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते से आगे ज़रूर बढ़ना चाहते, पीस चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, कॉल भी करना चाहते हैं, मैसेज भी करना चाहते हैं। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुके हैं, अगर इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं अभी आपसे स्पेस चाहते हैं, क्योंकि इनका लाइफ ही सही नहीं चल रहा होगा, इसीलिए इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। पीस चाहते हैं एंड डेफिनेटली अभी इस सिचुएशन से वो गायब हो चुके हैं। कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, ये भी है। इग्नोरेंस की एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं, याद ज़रूर करते हैं। आप इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मानते हैं, वो जानते हैं कि आप एक सपोर्टिव पार्टनर हो, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, या करियर का टेंशन हो सकता है, या फिर आपका ही टेंशन इनको हो सकता है, जहां आपके पार्टनर जो हैं बैलेंस नहीं है। आपके पार्टनर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। चलिए हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, जहाँ आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि आज आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए है क्या। सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें बस। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द लवर्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में अनदर चॉइसेस डेफिनेटली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो अनदर चॉइसेस के ऊपर जो है वो अभी मूव ऑन हुए हैं, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़े हैं। मीन्स अभी आपको इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, आपको इन्होंने पेशेंस
में डाल दिया है, लेकिन यहाँ डिसीज़न मेकिंग है आपके पार्टनर की लाइफ में, चाहे इनकी फैमिली हो या इनका स्पाउस हो, जिसके वजह से आपके पार्टनर ने मतलब आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं कि वो दो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, आपके साथ रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करें, और अनदर जो सिचुएशन है चाहे इनके पेरेंट्स है या इनका स्पाउस है उसको वो कैसे मैनेज करें, या इनका करियर है कैसे मैनेज करें। इसी के वजह से उन्होंने आपको कहीं ना कहीं स्पेस दिया है, या आपको इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाला है, या आपसे बातें कम कर दी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़रूर है आपके पार्टनर के दिमाग में। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। रिवर्स देखिए, खुद ब खुद आ गया है सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी को, फोर ऑफ कप्स की, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपको वो इग्नोर ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक ज़रूर है, अपनी फैमिली में स्टक है और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या कहें कि अब वो आपको चीट कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है अभी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का फोकस अदर चीज़ों पर है, अदर चीज़ों पे है। आपके लिए ये देख सकते हैं नन कमिटल एनर्जी है, मीन्स मैं बहुत ही ब्लंट हूँ इसीलिए लोग मुझे उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप किसी और की रीडिंग देख सकते हैं। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस ज़रूर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़रूर है, आपके पार्टनर जो हैं अभी इस वक्त कहीं अनदर चीज़ों में, हाँ वहाँ बोर्ड ज़रूर फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी सिचुएशन को कहीं ना कहीं रिजेक्शंस की एनर्जी है, या चीटिंग की कह सकते हैं, जहाँ ये फंसे हुए हैं, चाहे इनकी फैमिली कुछ भी क्यों ना हो, वहाँ आपके पार्टनर जो हैं स्टक हैं, एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है उस पर इनका ध्यान नहीं है। यही वजह है कि वो आपको बिट्रेल कह सकते हैं, या आपको जानबूझकर चीट किया है, या आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो नन कमिटल हैं और रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, या आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो मैरिड है। अगर ये मैरिड नहीं है तो ये पर्सन अभी इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है, अभी इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है। जब रेडी होंगे तब वो आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनके लाइफ में अनदर चीज़ें भी बहुत मैसिव है, जिसके वजह से वो इस रिलेशनशिप को साइड करके उन्होंने रखा है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इनवर्स डेफिनेटली वो जानते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है तो स्टेबिलिटी ज़रूरी है, यानी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी किसी भी तरीके से ज़रूरी है, तभी वो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकते हैं, और वो ये चाहते भी हैं, क्योंकि वो आज भी आपको लेकर जगल कर रहे हैं, दो सिचुएशन को जगल कर रहे हैं, हिडन रिलेशनशिप है आपके साथ, लॉन्ग टर्म ज़रूर चाहते हैं, और इसीलिए वो शांत है, पीसफुल हैं कि एक सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं तब दूसरी सिचुएशन में जाएंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, इसीलिए वो आपको आज नहीं तो कल ऑफ़र भी ज़रूर करेंगे, यानी कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करेंगे जिससे कि आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो सके। अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो आगे चल के वो आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, अभी वो रेडी नहीं है लेकिन आगे चल के वो दे सकते हैं। पेज ऑफ कप्स की, नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी को पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वो अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं, उनको इस बात का रियलाइजेशन ज़रूर है कि वो आपके साथ सही नहीं कर रहे, और इसके लिए वो सॉरी भी कहना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के सिचुएशन में कहीं ना कहीं दूरियां इन्वॉल्व है, एंड आपके पार्टनर का कोल्ड बिहेवियर इन्वॉल्व है, आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ही कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत फियरफुल इंसान हैं, एंड बहुत डरते हैं समाज और सोसाइटी से, या अपने पेरेंट्स से, या सिचुएशन से डरते हैं, जिसके वजह से ये जो हैं बहुत ही कोल्ड हार्टेड आपके साथ बिहेवियर करते हैं, लेकिन आप के पार्टनर कहीं ना कहीं कर्मा भी भुगत रहे हैं, ये भी है सच्चाई, और उनको इस बात का रियलाइजेशन ज़रूर है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया है वो सही नहीं किया है, और इसके लिए वो सॉरी भी आपसे कहना चाहते हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी फिर से आई है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते से क्योंकि हो सकता है मैरिज इन्वॉल्व हो, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, एंड इनके पेरेंट्स के वजह से वो इस रिश्ते से अभी उन्होंने स्पेस लिया है, यानी कि आपकी तरफ अभी ये मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि पीस चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, और जिसके वजह से आपकी सिचुएशन में स्टक है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में इनके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, या इनका करियर हो सकता है, या आपके पार्टनर मैरिड है। क्लियर है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं जिसके वजह से इन्होंने इस रिश्ते से अभी इस वक्त अनदर चॉइसेस के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें बस। हैरोफेंट, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ नन कमिटल ज़रूर हैं, अगर ये मैरिड है तो मैरिज इन्वॉल्व हो सकता है, और अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो आगे चल के आपके पार्टनर ज़रूर मैरिज करेंगे, लेकिन आप दोनों के मैरिज में ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ हो सकते हैं, आपका कल्चर अलग हो सकता है, उनका कल्चर अलग हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आप किसी और कल्चर के हो सकते हैं, आप किसी और रिलीजियस के हो सकते हैं, और आपके पार्टनर किसी और रिलीजियस के हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकते हैं और कमिटमेंट को लेकर इशूज़ हो सकता है। हो सकता है अगर आप सिंगल भी हैं तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, एंड कहीं ना कहीं चीटिंग भी कह सकते हैं, इस प्यार में चीटिंग भी है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो डेफिनेटली वो चीटर की एनर्जी में है अभी इस वक्त, क्योंकि वो दूसरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और इस प्यार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेफ्ट आउट पीछे कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो कहीं ना कहीं चीटिंग की एनर्जी है आपके पार्टनर, क्योंकि लोगों से, समाज से, सोसाइटी से डरते हैं, इसीलिए वो आपके साथ नन कमिटल ही रहते हैं, क्योंकि उनको बोल्ड स्टेप लेना जो है, आपके पार्टनर को इतना करेज नहीं है कि वो आपकी तरफ बोल्ड स्टेप ले। हाँ, वो आपको कॉल मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं, प्यार भी ज़रूर करते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट भी आप है, लेकिन इस प्यार में पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, तभी आपका प्यार जो है सक्सेसफुल हो सकता है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी को, लवर्स की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं चॉइसेस है माय डियर, और रोमांटिक पार्टनर इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारे लोग, यानी 90% लोग ऐसे इस रीडिंग को देख रहे हैं जो ऐसे सिचुएशन में है जहां आपके पार्टनर के पास चॉइस रोमांटिकली हो सकते हैं, मीन्स आपके पार्टनर मतलब आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जिनके लाइफ में दो सिचुएशन, मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं और अगर सिंगल है तो भी, और अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी सिंगल हैं, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसके वजह से वो इस रिश्ते में, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, थर्ड पार्टी भी है, वहाँ से वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं कि जिससे कि वो आपकी तरफ वो करेजियस के साथ बोल्ड स्टेप ले सके, क्योंकि टाइमिंग इन्वॉल्व है एंड डिस्टेंस इन्वॉल्व है, फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, जहां आपके पार्टनर जानते हैं कि इस प्यार में डिसीजन लेना है जो वो अभी अवॉइड कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे बस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स द चैरियट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद को सिंगल रखने के लिए बहुत सारे यानी खुद को सिंगल रखेंगे तभी वो आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे।
तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ही चैलेंजेस आपके रिश्ते में डेफिनेटली है। काम को लेकर भी आपके पार्टनर को थोड़ा चैलेंज हो सकता है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आएंगे तभी आएंगे जब वो सिंगल यानी कि सिचुएशन से फ्री होते हैं। अगर ये पेरेंट्स के साथ है, पेरेंट्स को छोड़ेंगे तभी वो आपकी तरफ आएंगे, या स्पाउस है तो स्पाउस को छोड़ेंगे तभी वो आपकी तरफ आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर जो हैं, जो यहाँ दिख भी रहा है, कहीं ना कहीं स्टक ज़रूर है एंड वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई उनको यादें जो है उनको बहुत सताती है। वो रिकंसिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, आपको लेकर बहुत पोजेसिव एंड ऑब्सेसिव भी है, तो बहुत जल्द वो आपकी तरफ प्यार में न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट वो ज़रूर करें, चाहे चैलेंजेस कुछ भी क्यों ना हो। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, तो पेशेंसफुल रहें। अगर आपको इस इंसान के साथ रहना भी है तो भी, नहीं भी रहना है तब भी। लेकिन मैं जानती हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग यानी 90% लोग तो ऐसे ही हैं कि जिसको अपने प्यार से तकलीफ़ ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिला है। बहुत सारे लोगों के लिए सेपरेशन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन अभी इस वक्त हो सकता है, यानी बहुत सारे लोग ब्रेकअप से गुज़र सकते हैं, सेपरेशन से गुज़र सकते हैं या गुज़र रहे होंगे। बहुत सारा हर्ट आपके पार्टनर ने आपको किया है, आपके आँखों में प्रॉब्लम हो सकता है माय डियर, आपके जेनिटल एरिया में प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हैवी हो रहे होंगे, ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए तो आँखों में ज़रूर प्रॉब्लम की सिचुएशन हो सकती है एंड डिटैचमेंट भी आपको बहुत जल्दी आ रहा होगा इस इंसान से, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने पेनफुल किया है। तो अच्छा है अगर डिटैचमेंट आता है, तो आप अगर इस रिलेशनशिप से निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आपका है वो आपकी तरफ ज़रूर रहेगा, जो आपका नहीं है उसे निकल जाने में ही सही है, क्योंकि इससे इमोशनल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस ज़रूर होता है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी करता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइजेशन ज़रूर है कि इस प्यार में यानी आपके साथ जो प्यार है इनका, इस प्यार में आपको जस्टिस देना है तो बहुत समय लगेगा। आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, इसीलिए आपके पार्टनर ये दोनों सिचुएशन को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन को, आप भी और जो भी अनदर सिचुएशन है इनके लाइफ में, एक साथ हैंडल करें, क्योंकि ये दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं और बहुत ही पेशेंसफुल हैं कि ठीक है, समय के साथ साथ सारी चीज़ें सही हो जाएगी। और इस बात का उनको अंदाज़ा भी है कि इनके लाइफ का मेजर डिसीज़न है, वो किसी को खोकर सही नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस बात का भी रियलाइजेशन है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं दे, आपके साथ उन्होंने हमेशा इनजस्टिस किया है, लेकिन वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव भी हैं, ऑब्सेसिव भी हैं एंड आपके साथ न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट वो ज़रूर चाहते हैं करने के लिए। आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, एरिस लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। चलिए हम उनके मैसेजेस ले लेते हैं। यू आर माई एंजल, आई वॉन्ट टू सेक्सुअल यूनियन विथ यू, Your love awaken my soul. I love you forever. You complete me and my heart is your forever. You are my moon and no can jump and touch the moon. I need your caring personality in my life. And आई एम ऑल टाइड अप राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं चारों तरफ से स्टक हैं, जिसके वजह से ऐसी सिचुएशन है। तो गाइज बहुत ही वाइजली डिसीजन अपने लाइफ में लेंगे, नहीं तो पेशेंसफुल रहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। जब दिमाग काम ना करे ना तो चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। आपको जो स्थिरता है, पानी जो है ना जब स्थिर हो जाता है ना तो क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है, यानी कि जब गंदगी उसमें होती है तो पानी के नीचे क्या है वो चीज़ें नहीं दिखती है, लेकिन जैसे जैसे वो स्थिर हो जाता है
पानी पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर होके दिखाई देता है कि पानी के नीचे क्या है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आपको सच्चाई आपके पार्टनर के बारे में ज़रूर मिल जाएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, किसी से भी अपने लाइफ की क्लियरिटी ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपका मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ों से बाहर निकल जाए, आप किसी की भी रीडिंग लेके, किसी के साथ भी रीडिंग लेकर आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल जाए, क्योंकि इसमें लंबा समय जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप किसी से भी ले सकते हैं, और मुझसे लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9324748488 पे आप मैसेज कर सकते हैं। रीडिंग बाय करना होगा माय डियर, यानी कि रीडिंग लेने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।